ओके क्लास टू, अब मैं आपको जो है सूरह फील के तर्जुमे के बाद प्यारी दुआओं का काम करवा रही हूँ। प्यारी दुआ दुआएं का आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अगले पेज के ऊपर आप आप लिखेंगे सोने से पहले की दुआ। हम रोज़ सोते हैं और रात में सोने के लिए जब लेटते हैं उससे पहले दुआ का पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। आप इस दुआ को याद करें और इस दुआ को रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ें। सोने से पहले की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही है? क्या है ये दुआ? अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया, आमूतो व आहया। सही है? दोबारा से पढ़ें इसको। अलिफ लाम अल लाम हे मीम जबरमा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बे अलिफ ज़ेर बिस बे अलिफ सीन बिस मीम ज़ेर में काव दबका बिस्मिका अल्लाहुम्मा बिस्मिका अलिफ जबर आ मीम वामू आमू तो आमू तो वा अलिफ जबर वा अलिफ हे ये छोटी ये अलिफ ये खड़ा ज़बर और छोटी ये आहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही है बेटा? ये जो है वो सोने से पहले की दुआ है। ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए और रोज़ाना रात को बिस्तर पर लेटते हुए जो है वो ये दुआ पढ़ें। क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। अब मेरे बाद रिपीट करें ताकि ये याद हो जाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही, जल्दी जल्दी से पढ़ें, याद करें इसको। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही है बेटा? ये हमने सोने से पहले की दुआ पढ़ी। अब इसका तर्जुमा क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको अब देखें। ए अल्लाह तेरे नाम से सोता, लड़के लिखेंगे सोते का लफ्ज़ और लड़कियां लिखेंगी ये वाला लफ्ज़ सोती। ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ। और लड़का क्या पढ़ेंगे? ए अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ और तेरे नाम से जागती हूँ या जागता हूँ। सही है? दोनों में से लड़कियाँ जो हैं वो सोती और जागती का लफ्ज़ लिखेंगी और लड़के सोता और जागता का लफ्ज़ लिखेंगे। सही है? तर्जुमे में तो तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ और तेरे नाम से जागता हूँ। और लड़कियाँ क्या किस तरह करेंगी? ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ और तेरे नाम से जागती हूँ। सही है? अब इसको मेरे बात पढ़ें, इसको याद करें। ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ और तेरे नाम से जागती हूँ। और लड़के किस तरह पढ़ेंगे? ए अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ और तेरे नाम से जागता हूँ। सही है? याद हुआ आप लोगों को? अब जो है मिलके पढ़ते हैं, आप मेरे बाद इसको पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। दोबारा से पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको याद हो रहा है? ये जो 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 है क्लास अटेंड कर रहा है सब बच्चे ये दुआ पढ़ें, सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही है? अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपको रात में डर नहीं लगेगा, आपको जो है डरावने ख्वाब नहीं आएंगे और आपके कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, जैसे पेट में दर्द, वॉमिट या कुछ और जो है तकलीफ़ जैसे होती है हमें, तो सोने से पहले की दुआ पढ़ने से आप इन तमाम चीज़ों से जो है वो सही रहेंगे, खैरियत से सोएंगे और खैरियत से आप उठेंगे। तो इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह
तेरे नाम से सोती हूँ और तेरे नाम से जागती हूँ। सही है, ये सब बच्चे जो हैं इसको देखें और इस तरीके से ये काम आपने करना है। आपने दो काम करने हैं, क्या 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 करना है, सूरह फील का तर्जुमा लिखना है और सोने की से पहले की दुआ का आपने तर्जुमा लिखना है। आपने कैसे करना है, आप बात को समझें। आपने प्यारी दुआएं की हेडिंग डालनी है, फिर सामने वाले पेज पे आप लिखेंगे सोने से पहले की दुआ और इसके बाद आपने 3 लाइन्स छोड़ देंगे, कॉपी की 3 लाइन्स जो है वो आप छोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके से मैं आपको कॉपी में दिखा रही हूँ। ये देखें आपकी कॉपी में सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आया। आपने सोने से पहले की दुआ की हेडिंग डाली, उसके बाद आपने 3 लाइन्स छोड़ दी, 1, 2, 3। उसके बाद आपने तर्जुमे की हेडिंग डाली और फिर आपने तर्जुमा लिखा, ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ और तेरे ही नाम से जागती हूँ। सही है, इस तरीके से आपने जो है ये काम करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे भेजना है। सही है बेटा, आपकी समझ में भी बात आ गई है किस तरीके से ये काम आपने अपनी कॉपी पे करके मुझे इसकी तस्वीर जो है वो भेजनी है। अब एक दफ़ा हम फिर पढ़ते हैं। सही है, आपकी समझ में बात आ गई मैंने क्या 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 बताया। ऐ अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ, तेरे नाम से और तेरे ही नाम से जागता हूँ। तेरे ही नाम से जागता हूँ। सही है, सब बच्चों की समझ में ये बात आ गई किस तरीके से आपने ये काम करना है। सूरह फील का तर्जुमा और प्यारी दुआ नंबर 1 आपने जो है इस तरीके से करना है। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेकर आपके लेक्चर के साथ जो है नीचे लगा दूंगी ताकि आपको ये करने में आसानी रहे। अब देखें ये बिस्मे का ये लफ्ज़ जो है मीठा मीठा सा हो गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। सही है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपने ये मुझे काम करके भेजना है और जो है सबका बहुत नीट क्लीन और अच्छा सा काम होना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। और आप जो है इसको याद भी करेंगे, इसका अरबी का जो है सूरह फील अरबी और ये सोने से पहले की दुआ की अरबी आपने याद करनी है और तर्जुमा जो है वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। सही है, सब बच्चों को समझ में आया ये बात। अब मैं आपको इसकी डायरी लिख के देती हूँ और आप ये डायरी जो है आप डायरी जो है नोट कर लेंगे किस तरीके से ये डायरी लिखी जाएगी। सही है, ये तर्जुमा जो है सोने से पहले की दुआ का ये मैं रब कर रही हूँ। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आया। ए अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ, ए अल्लाह तेरे नाम से सोती हूँ और तेरे ही नाम से जागता हूँ जागती हूँ। सही है बेटा, ये दो काम आपने मुझे करके भेजने हैं और अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। डायरी को देखें,
सही है बेटा, बोर्ड मैंने रब कर दिया। अब मैं इस पे आपकी आज की डायरी लिख रही हूँ। आपकी डायरी है सही है, ये मैंने इस तरह बना लिया। अब क्या करना है, सूरतुल फील फील और प्यारी दुआ नंबर नंबर एक जबानी याद करना है। ओके बेटा, सूरह फील और प्यारी दुआ नंबर एक ज़बानी याद करना है। सूरह फील क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलम तरा कैफा फाल रब्बुका बेअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बेहिजारतिम मिन सिज्जील फजालहुम कासफिम माकूल। ये हो गई सूरह फील। और प्यारी दुआ नंबर एक यानी सोने से पहले की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। क्या है उसकी दुआ क्या है, सोने से पहले की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। क्या है दोबारा से रिपीट करें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। फिर इस तरह किताब कॉपी में देख लें, सोने से पहले की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतो व आहया। ये आपने इसकी दोनों सूरह फील और सोने से पहले की दुआ का आपने अरबी याद करना है और तर्जुमा आपने इस तरह कॉपी में लिखना है। सही है बेटा, यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 7 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।